ये चल नहीं रही है। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे हिलते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्लू व्हेल। अरे अरे, जरा तमीज से मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं तो तुम लोगों का मेरे पास आना कैसे हुआ? हम अपने दोस्तों को ले जाने आए हैं। इसे अभी रोको और हमारी वॉच कार्स लौटा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है तुम जानते ही नहीं कि वॉच कार्स कैसे काम करती हैं। ध्यान से देखो, वॉच कार्स किस तरह काम में ली जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वॉच कार्स बनाने वाला। ये हो क्या रहा है? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। सब कितने चौंक रहे हैं, मगर घबराओ नहीं। ये सब इस शहर की प्रगति और साथ ही आप सभी की सुरक्षा के लिए हो रहा है। युद्ध से थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरी वॉच कार्स की सेना आपको इस दर्द से मुक्ति दिलाएगी, इसलिए बिल्कुल मत सोचो दोस्तों। पर डॉक्टर, मॉन्स्टर वॉचकार की सेना ने पूरा शहर कब्जे में ले लिया है। वो कभी भी यहाँ धमक सकते हैं। आप भाग जाइए यहाँ से। वॉचकार का भविष्य यहाँ पर हो रही खोज पर निर्भर है। मैं इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ सकता। पर डॉक्टर समझिए, मैं सच में उन बच्चों पर भरोसा करता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि वो काली परछाइयों और उसकी सेना को हरा देंगे। दोस्तों, हम सभी सख्त नियमों से ही समाज को बचा सकते हैं। जिस दुनिया के सपने आप देखते हो, वो आपकी हो सकती है। यहीं पर और अभी अब नई दुनिया का जन्म होगा। देखा तुमने वॉच कार्स की असीमित ताकत? मैं और मेरी मॉन्स्टर वॉच कार्स पूरी दुनिया बदल डालेंगे। नई दुनिया में हर कोई शांति से रहकर और सर को उठाकर जिएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इरादा हिंसा से शांति देना है? बेवकूफ, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं गलत नहीं हूँ। तुम बचे रहोगे अगर तुम मेरी बात सुनोगे, क्योंकि बाकी सब गलत हैं। क्योंकि औरों को वो नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा है। तुम थक नहीं जाते ऐसी जिंदगी जीकर? क्या? वैसे भी तुम जो कह रहे हो ये कि तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले। मैं कभी गलत नहीं था, लेकिन मेरी कभी किसी ने नहीं सुनी। एक ने भी नहीं, किसी ने नहीं। वो कितना अकेला रहा है। हाँ, क्योंकि किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी, ना ही तुम्हें समझा। तुम अकेले थे। तुम अकेला किसे कह रही हो? सिर्फ क्योंकि तुम अकेले थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई तुम्हारे जैसा हो जाए। मेरे बेचारे दुखी मालिक, मुझे पता नहीं था वो इतने अकेले थे। ये तुम क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, अकेले होने पर शर्मिंदा मत हो। अभी भी देर नहीं हुई। जो वॉच कार्स तुम्हारे पास हैं, उनसे तुम सीख सकते हो हिम्मत रखना, प्यार करना और सबके साथ मिलकर रहना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो?
हमारी वॉच कार्स छूट गई हैं। मैं तुम सबको आखिर में खत्म कर दूंगा। मॉन्स्टर वॉच कार सेना बाहर आओ। स्ट्रॉन्ग मशीन गन आक्रमण। हाँ सोना, तुम भी आक्रमण करो। वंडर लव मिसाइल आक्रमण। टीमन लेसर आक्रमण। वो वहाँ नियंत्रण कक्ष हो सकता है जो डॉक्टर ने बताया था। वीर तुम जल्दी जाओ और वहाँ चाबी लगाओ। वीर जल्दी करो। हाँ जाता हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। चलो चलें, ब्लू विल। स्ट्रॉन्ग रॉकेट पंच आक्रमण। काम हो गया, बहुत बढ़िया मैडी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मॉन्स्टर वॉच कार्स, उसे रोको अभी। वीर जल्दी करो। ठीक है, मेगा पल्स गन आक्रमण। वीर ध्यान से। अब तुम संभालो ब्लू विल। पावर कॉइन ड्राइव। बहुत अच्छे ब्लू विल, अब इसे खत्म करते हैं। सिस्टम बंद हो गया है। हमने कर दिखाया, वीर ने सिस्टम बंद कर दिया। मुझे पता था कि वीर ये कर दिखाएगा। ओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं आज इस जगह को तुम सबकी कब्र बना दूंगा। आत्मविनाश का क्रम शुरू हो गया है। धमाके में अब 60 सेकंड बचे हैं। क्या उसने कहा? धमाका। मालिक, हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं, ये एंट्री बटन है, ये पूरा टूट चुका है। क्या? वीर, वीर, वीर। दोस्तों, मैं अंदर से दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूँ। इमारत में धमाका होने जा रहा है, कृपया इसे खाली कर दें। अब हम क्या करेंगे? ये दरवाजा तो हिल भी नहीं रहा है। मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम सब मुझे छोड़कर जाओ यहाँ से। कृपया इमारत खाली कर दें। हाँ, ये क्या है? 30 सेकंड, हाँ? 30 सेकंड धमाके से पहले। ये क्या हो रहा है? कृपया इमारत खाली कर दें। वीर, 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 वीर।
मैं ठीक हूँ, हमें बाहर निकलना चाहिए। धमाका होने जा रहा है, कृपया इमारत को खाली कर दें, जल्दी से चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम्हारा जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है। तुम सब का, इस शहर का, लोगों का और सारी वॉच कार्स का, अब सब सुरक्षित हैं। हमने बस वो किया जो हमें करना चाहिए था। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। जब मैं वीर के अंदर फंसे होने की सोचता हूँ तब फिर से मन घबरा जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि ब्लूविल ऐसे कूद पड़ेगा, क्या गजब था वो। मैंने भी नहीं, वो ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। डॉक्टर, क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे इसके पीछे ब्लूविल के वीर को बचाने की इच्छा शक्ति लगती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी विस्फोट हो गई। वाह, वाकई ये तो कमाल है। ये ठीक वैसा है जब एक ट्रक मुझे कुचल डालने वाला था। बिल्कुल ठीक। भविष्य में ये वॉच कार्स लोगों की हर तरह के खतरों से जान बचाएंगी और मदद करेंगी। यही उद्देश्य है वॉच कार्स की अगली पीढ़ी की खोज का। तो वॉच कार्स वाकई में लोगों को खतरे से बचाएंगी? हम भी आपकी मदद करेंगे डॉक्टर। मुझे कितनी राहत मिली कि तुम लोग मेरे साथ हो मेरे बच्चों। खैर वीर, कल आखिरी मुकाबला है, तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ब्लूविल, क्या तुम तैयार हो? बहुत अच्छे, हम इसे बनाए रखेंगे और जरूर जीतेंगे। तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो, आपका दिन शुभ हो। ऐसा लगता है मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। हम साथ में अच्छे लगते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। हीरोज का वॉच कार मुकाबला, आखिरी मैच जिसका आपको इंतजार है, जल्द ही शुरू होने को है। सैम, तुम यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते। जीतेगा भाई, जीतेगा वीर, जीतेगा। वीर की किस्मत अच्छी है कि वो आखिरी मुकाबले में पहुँच गया, मगर नील के सामने वो नहीं टिक पाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते। दल बदल रहे हो नील, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम जानते हो इस बार मैं ही जीतूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि महान खिलाड़ी कौन है, जल्दी समझ जाओगे। आखिरकार ऐतिहासिक जंग शुरू हो रही है, चलो मुकाबला शुरू करें। ब्लूविल, भागो! ब्लड आक्रमण। आज का मैच कमाल का था, है ना? कमाल का? उससे भी ज्यादा। मेरी तो सांसें आखिर तक थमी हुई थी। दोनों ही अच्छे थे। लेकिन अगले साल मैं यहाँ का विजेता रहूंगा, समझे? सोफी, क्या तुम अगले साल के विजेता के साथ फिल्म देखने चलोगी? मैं देख चुकी हूँ। लेकिन मैंने तो फिल्म का नाम तक नहीं बताया। शैतान बच्चों, हर बार तुम नहीं बच सकते। जाओ यहां से, जाओ यहां से। तुम नहीं जाओगे और अब भी नहीं जाओगे,
कौन है? बच्चे को कौन परेशान कर रहा है? लेकिन सैम भी एक मशहूर खिलाड़ी है ना? नील, मैं बहुत दूर से यहाँ सिर्फ तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि हमें ब्लैक शैडोज से मुक्ति मिल गई है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, शुक्रिया। तुम्हें जो सोचना है सोचो। कैसे रहे कि आज से हम दोस्त बनकर रहे? मुकाबलों की इस दुनिया में मुझे दोस्ती एक रईसी लगती है। वैसे रईसी कभी कभी इतनी बुरी भी नहीं रहती। हाँ, ये दोनों साथ में? हाँ, चूटी काटो, ये सपना है। लग गई। ये तुमने क्या किया? ये सपना नहीं है। यही तो कहलाती है दोस्ती। क्यों दोस्त? है ना दोस्तों? ओहो, मैडी, उधर देखो। हे हे, देखो। वाह, सुंदर लग रही है। शीना ने मुझे तैयार होने को कहा था, पर ये सब कितना अजीब लग रहा है। क्या तुम ठीक हो आयशा? हाँ ठीक हूँ। आज तुम सच में कमाल लग रही हो। सैम, मैं तो बोलो ये मजाक है। ओ, मैं तो जरा भी नहीं देख सकती, कितनी शर्मिंदगी भरा है। मत देखो। भगवान। सैम, ये देखो, ये सब करने का वक्त नहीं है। भगवान। ये तो इवान है। सैम, तुम? इवान, थोड़ा वक्त जरूर लगा, पर अब इवान पूरी तरह ठीक है। पर ये तुमने कैसे किया सेड? आशा का शुक्रिया जो AI चिप वापस लेकर आई। इसे ठीक करना मुश्किल है क्योंकि AI चिप खराब हो चुकी है। सेड, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इवन को फिर से जिंदा कर दो। एक तुम ही हो जो ये कर सकते हो। सेड, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सेड, प्लीज, सेड, प्लीज, इवन को फिर से वापस ला दो। सेड, प्लीज। ठीक है, मैं इसे ठीक करूंगा चाहे जो हो जाए। आयशा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ओ सैम, मुझे खुशी है कि वो वापस आ गया। तो अब इस साल के विजेता के लिए समारोह शुरू हो रहा है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हीरोज कप वॉच कार मुकाबले के लगातार ब्लैक एम्परर रहे नील से। जब मैं इस मुकाबले में आया, मुझे लगा कि कुशल होना सबसे जरूरी है, लेकिन फिर एक खिलाड़ी भरपूर साहस और उसकी वॉच कार से सच्ची दोस्ती के साथ सामने आया। उसने मुझे महसूस करवाया मैं गलत था, और अब मुझे फक्र है उसे आपके सामने लाने में। मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और आपका विजेता। देवियों और सज्जनों, हीरोज कप वॉच कार बैटल लीग के विजेता हैं वीर शानदार। देखा, मैंने पहले ही कहा था वीर एक दिन दुनिया को चौंका डालेगा। वीर, तुम कमाल हो, कमाल।
विजेता के लिए। बधाई हो। ये मुझे फक्र है तुम पर, बहुत फक्र है तुम पर। बस करो सर, ये रोने का वक्त नहीं है, रोना बंद करो, ठीक है? ठीक है। ब्लूबेल, सब लोगों का शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। जब मैं डरा हुआ था, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। जब निराश था, उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे ताकत दी सब बाधाओं से पार पाने की जो मेरे बीच में आए। मैडी, आयशा और सैम, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया तुम सबके लिए है दोस्तों। मैं सिड को भी शुक्रिया कहूंगा जिसने हमेशा मेरी वॉचकार का ध्यान रखा, और ब्लूविल मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए, है ना ब्लूविल? हे ब्लूविल, दोस्त तुम यहाँ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते।